अब जमीन खरीदने पर उत्तराखंड में आपको नए नियमों का पालन करना होगा। उत्तराखंड में बाहरी प्रदेश के लोगों को अब जमीन खरीदने के लिए एक कड़े कानून से गुजरना होगा। क्या है यह नया कानून और क्या कुछ तैयारी धामी सरकार ने इस नए कानून को लेकर की है ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा, यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान बाहरी प्रदेशों के लोगों के लिए नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार कड़े नियम इसको लेकर बनाने जा रही है ताकि बेरोक टोक जमीनें प्रदेश में ना खरीदी जाए। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। साथ में हमने भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि जो लोग बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूल निवासी जमीन खरीदने वाला व्यक्ति होगा उनके नजदीकी थाने में उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी सक्षम स्तर पर अनुमोदन लेकर के उसको करेंगे। धामी सरकार के इस फैसले से बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी? कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्या इन्होंने उनका वेरिफिकेशन किया कि नहीं किया? इसका मतलब आज तक इन्होंने उनका संरक्षण, उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सत्यापन नहीं किया, जो आए वो खरीद ले। बाहरी प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर सरकार नया कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है और क्या प्रस्ताव में अध्यादेश लाने के बाद अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। कुलदीप नेगी, जी मीडिया।